दोस्तों गुड मॉर्निंग, आइए स्वागत है आपको गोकुल दूध में, यानी कि गोकुल के दूध से। आज हम बना रहे हैं बासुंदी, प्योर दूध है दोस्तों, महाराष्ट्र सोलापुर का ये दूध है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी वीडियो कुछ मीठे के लिए। तो यहाँ पर हमने 5 लीटर दूध लिया है बासुंदी बनाने के लिए, ज़्यादा मात्रा में बना रहा हूँ। आधा किलो शक्कर ऐड किया इसमें, आप लोग 1 लीटर के लिए 100 ग्राम शक्कर लेनी है। चलिए बनाते हैं आज बासुंदी। तो भट्टी रेडी है, कढ़ाई को रख दिया है गर्म करने के लिए और शुरू हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। बासुंदी बनाना बहुत ही इजी और आसान काम है, बस थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। वीडियो मैंने एकदम शॉर्ट बनाया है, लेकिन आप लोगों को एकदम समझ में आए वैसा बनाया है। अगर मैं इसको कंटिन्यू पूरा आधे घंटे तक बनाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दूध को अच्छा उबाल आने दे, कंटिन्यू चलाते रहे। यहाँ देखिए दूध अच्छा उबाल आया है, कंटिन्यू चलाते रहना है। और मीडियम आंच पर हमें इसको बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर ना बनाए, हमारा जो दूध है अच्छा गाढ़ा होता जाएगा और साइड में यहाँ पर किनारों पे ना मलाई इसकी चिपकती जाएगी। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मलाई हमारी आ रही है। दूध आपको कंटिन्यू चलाते रहना है दोस्तों, और गाढ़ा होने तक चलाना है। बस इसमें यही ट्रिक है दोस्तों, आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। साइड में आप देख सकते हैं मलाई हमारी जो है चिपक रही है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया अच्छे तरीके से मलाईदार बासुंदी बनेगी हमारी। तो वीडियो को एंडिंग तक देखिए, आपको समझ में आएगा। शक्कर का देखो दोस्तों इसमें उपयोग है, एक उबाल आने के बाद भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप शुरुआत में भी इसके साथ डाल सकते हैं। पिछली बार मलाई बर्फी के लिए आप लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने भी बताना मैं भूल गया थोड़ा काम। तो मलाई बर्फी के लिए दोस्तों एक उबाल के बाद में आप शक्कर ऐड कर सकते हैं। और मलाई बर्फी में जो मैंने बताया नहीं था कि नींबू शहद कब डालना है, तो दूध अच्छा उबाल आने के बाद और हल्का हल्का गाढ़ा हो जाता है, तब उसके अंदर आपको नींबू शहद ऐड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बासुंदी जो है अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है, और साइड में इसकी मलाई जो है अच्छी सेट हो गई है। और इसको अभी एक और दो उबाल आएगा, उसके बाद में हमारी ये मलाई जो बासुंदी बनकर रेडी, और हम इसको लेंगे एक बर्तन में बाहर ले लेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारी रेडी हो गई है बासुंदी, अब हम इसको बाहर ले रहे हैं कढ़ाई से। एक बड़ी बकेट ली है, उसमें ले रहे हैं। आपको अच्छा एक ऐसा बर्तन या कोई जग लेके लेना है, या पर आप घर पर बना रहे हैं तो छोटे बर्तन में तो आसानी से ले सकते हैं। चलो दोस्तों आगे हम बताते हैं आपको मलाई कैसी बनी है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी सेट करके बताएंगे। बासुंदी रेडी हो गई है, चलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा काजू मेवे सेट कर मिक्स करते हैं और आपको बता दें कि बासुंदी आखिर कितनी टेस्टी बनी है। तो गाइस अभी तो गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद पियेंगे। तो अभी इसके अंदर काजू मिक्स किए हैं, आप इसके साथ और भी ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं। और अब हम इसके साथ इलायची का पाउडर मिक्स करेंगे ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। तो गाइस आप भी घर पर बनाइए और बताइए कि कैसी बनी आपकी बासुंदी, अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने बासुंदी का वीडियो ट्राई किया है रेसिपी, तो हमें वीडियो का छोटा सा क्लिप भेजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो में हम आगे शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे।